प्रदेश भर में चल रही एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट ऑफ हरियाणा के कर्मचारियों की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी रही। हड़ताल के पांचवें दिन हिसार जिले के दो फार्मासिस्ट मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। फार्मासिस्ट के हड़ताल पर जाने से नागरिक अस्पताल हिसार में मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नागरिक अस्पताल हिसार में मरीजों को दवाइयां मिल रही है, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। फार्मासिस्ट की मुख्य मांग 4600 ग्रेड पे की है, जिसको लेकर फार्मासिस्ट हड़ताल पर हैं और उन्होंने अनिश्चित काल तक हड़ताल करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। एसोसिएशन के जिला सचिव रविंद्र चोपड़ा ने बताया कि हड़ताल पांचवें दिन भी जारी है, जो अनिश्चित काल तक चलेगी। उन्होंने बताया कि दो फार्मासिस्ट भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि हर रोज उनके दो साथी भूख हड़ताल पर रहेंगे। रविंद्र ने कहा कि उनकी मांग 4600 ग्रेड पे को लेकर है, जिसके लिए वे संघर्षरत है। इसके अलावा उनकी मांग प्रमोशनल को लागू करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर का पद भर जाने को लेकर है। रविंदर ने बताया कि मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी रहे कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांग मान ली जाएगी। रविंदर चोपड़ा ने बताया कि विपक्षी नेताओं और अन्य कर्मचारियों का भी समर्थन मिल रहा है। हड़ताल के दौरान फार्मासिस्ट आपातकालीन सेवाएं भी नहीं दे रहे हैं। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। एसोसिएशन के जिला प्रधान नीरू ने बताया कि आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर सरकार जिम्मेदार है। नीरू ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने उनकी मांग को अप्रूव किया हुआ है, लेकिन पिछले एक महीने से वित्त विभाग उनकी मांग में अड़चन लगा रहा है। नीरू ने कहा कि वर्तमान में वित्त विभाग मुख्यमंत्री से भी बड़ा हो चुका है। अब जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, उनकी हड़ताल प्रदेश भर में जारी रहेगी। नीरू ने बताया कि उनकी हड़ताल को ESI, NSHM, मेडिकल कॉलेज का समर्थन मिला है। मैडम, आपका नाम, प्रोफेशन और डेजिग्नेशन? मेरा नाम नीरू, फार्मासिस्ट, एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की डिस्ट्रिक्ट इकाई की मैं जिला प्रधान हूँ। नीरू जी, हड़ताल को आज पांचवा दिन है, कई तरह की सेवाएं भी बाधित हो रही हैं, कई आपातकालीन सेवाएं हैं वो भी बाधित हो रही हैं, तो किसको आप इसका जिम्मेदार मानते हैं? सर, इन सब का जिम्मेदार हम सरकार को ही मानते हैं। हरियाणा सरकार ही इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी मांग थी, हमारा मान सम्मान था 4600 ग्रेड पे का, और वो हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा है उन्होंने भी अप्रूव कर रखा है, चीफ मिनिस्टर ने भी अप्रूव कर रखा है। सिर्फ वित्त विभाग हमारी फाइल पे कुंडी मारे बैठा है पिछले एक महीने से। हमें तो ये जान के अतिशोक्ति हो रही है कि CM से भी बड़ा हो चुका है वित्त विभाग आज, कि वो हमारी फाइल को निकलने नहीं दे रहा। इसलिए हम अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए इस दरी पे बैठे हैं, और जब तक हमारा ग्रेड नहीं हो जाता है 4600, हम इस दरी से नहीं हटेंगे। हमारी हड़ताल जारी रहेगी। किसी भी तरह की कोई सेवा फार्मासिस्ट कहीं भी प्रोवाइड नहीं करा रहे, और आज से हमारे साथ ESI के, NHM के और सभी मेडिकल कॉलेज हरियाणा के सभी फार्मासिस्ट हमारे साथ बैठ गए हैं। सर, आपका नाम और एसोसिएशन का नाम और पता? मैं रविंद्र चोपड़ा, जिला सचिव, और ये मैडम नीरू भाटिया, हमारे जिला प्रधान। रविंद्र जी, हड़ताल को आज कौन सा दिन है और क्या फैसला? आज हमारी हड़ताल को पांचवा दिन है, और जो अनिश्चितकालीन चल रही है, और आज हमारे पांच साथी, दो साथी हम भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, और आगे भी भूख हड़ताल जारी रहेगी। हर रोज़ हमारे दो दो साथी भूख हड़ताल पर रहेंगे। क्या क्या आपकी मांगे हैं? जो हमारी मुख्य मांग 4600 की है, और उसके लिए हम संघर्षरत हैं। हमारी जो प्रमोशन चैनल है वो लागू किया जाए, डिप्टी डायरेक्टर का पद भरा जाए, पर जो हमारी मुख्य मांग है वो 4600 ही है। क्या अभी तक किसी नेता या अधिकारी ने आपको आश्वासन? हाँ, हमारी बात चली हुई है। कल हमारे स्टेज पर यहाँ पूर्व OSD कैप्टन भूपेंद्र जी भी आए थे, उनसे भी विस्तृत बात हुई। उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि दो दिन के अंदर हम करवाने की कोशिश करेंगे। किस किस नेता का आपको समर्थन मिल रहा है, अगर विपक्षी पार्टी? हमें विपक्षी की बात करें तो हमें JJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी पूर्ण सिंह डबरा जी आए थे, पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह जी भी आए थे, और चौधरी राजमल काजल जी भी आए थे, बहुजन समाज पार्टी के भी जिला अध्यक्ष राजकपूर पाली जी भी आए थे, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, और भी जन संगठन हैं हमारे पास, सब आ रहे हैं। कुछ पार्षद भी आ रहे हैं हमारे पास सारे, और हरियाणा फार्मासिस्ट भी हमें समर्थन में, NHM भी हमारे समर्थन में है, क्योंकि हमारी जायज़ मांग है वो। और मान मतलब बात पैसे रुपए की नहीं है, बात हमारे मान सम्मान की बात है वो। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगामी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं, हमारे संघर्ष रूपी दरी में बैठे हैं, और आगे हम बैठे रहेंगे यहाँ। किसी तरह की आपातकालीन स्थिति में क्या फार्मासिस्ट सेवाएं दे रहे हैं ना? बिल्कुल, कोई फार्मासिस्ट, पूरे हरियाणा का फार्मासिस्ट आज एक एक फार्मासिस्ट रोड पे है, दरी पे बैठा संघर्ष कर रहे हैं। हमारे PGIs में भी हमारे सारे साथी वहाँ बैठे हैं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।